अस्सलाम वालेकुम सर। सर इससे पहले आप ये जो बड़ी हॉस्पिटल है उससे बिल्कुल सामने आर्च जो है वहाँ पे सामने रोड का तरक्की काम वहाँ पे मुकम्मल करके यहाँ पे आए हैं, इन दोनों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट दीजिए। पहले ये बताइए कि डबल रोड अजीज सेट में क्या हुआ था और यहाँ का क्या हुआ है? अजीज सेट जोड़ी रोड रास्ते जो है ये तरक्की के लिए बहुत सारे मनसूबे हमारे सामने इससे पहले भी थे, से मुंडा से कॉरपोरेशन से MLA ग्रांट से गवर्नमेंट के स्पेशल ग्रांट से उसे बाकायदा है ना जिस चौड़ाई को लेकर है ना काम करना था उसका है ना माहौल या मौका हमें नहीं मिलने की वजह से वहाँ के काम में है ना देर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरीके से अब काम हुआ है निमरा मस्जिद क्रॉस से लेकर है ना तुम्हारे KB जंक्शन तक जो राजकुमार रोड का जंक्शन है वहाँ तक काम तरक्की का काम आज शुरू हुआ है जिसकी एस्टिमेट जो है 2 करोड़ रुपए का है, वो कॉरपोरेशन फ्रंट्स में ना काम हो रहा है और यहाँ जो मौजूदा जो काम हो रहा है ये MLA ग्रांट 25 लाख रुपए मैं पुलिस का 2 साल पहले दिया था, करोना की वजह से ये डिले हुआ था, आज यहाँ का उसका काम हो रहा है। तो इसी तरीके से हल्के में चाहे वो माइनॉरिटी ग्रांट्स हो या है ना क्योंकि अंतरी में फखरुद्दीन अली आवर रोड 1.60 लाख इसे स्लम बोर्ड के तरफ से है ना उसको लाकर काम किया है, 6 करोड़ का काम अभी है ना मौजूदा तुम्हारा है ना पुलिस स्टेशन के पीछे जो स्लम है वहाँ में वहाँ है ना तरक्की का काम अभी शुरू हुआ है, उससे हल्के के बाद जगहों पर है ना तरक्की का काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जो दूरंदेजी और कोशिश रही और उस वक्त मेरा साथ जितने ऑफिसर्स भी दिए, क्योंकि नसीमराजा हल्के में एक छोटे से छोटा बारिश भी है ना लोगों को है ना उनके नींद हराम कर देता था, घरों में पानी घुस जाता था, यही सत्यानगर में 7 से 8 अड़ी आज है ना मिट्टी डालने के बाद घरों को ऊपर लेना पड़ा, इंदिरा गांधी रोड में लगभग 10 अड़ी तक है ना मिट्टी डाल के रास्ते ऊपर लिए, लोग अपने सहूलत के हिसाब से और उनके ज़रूरत के हिसाब से जहाँ मिला वहाँ मकान बन गए, लेकिन आज एक माशरे में सबको उनका हक अदा करने की वजह से आज जो कोशिश कर बारिश का पानी हल्के से बाहर ले जाने की जो हमारी एक मुहिम थी और जिस तरीके से हमने काम किया था वो दूरंदेजी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना उससे कामयाबी मिली है, अल्लाह की मदद भी मिली है और मौजूदा मेरा दूसरा हिस्सा जो है मेरक नली तुम्हारा आर नली के तरफ से जो पानी आता है उसे बारिश की मोरी बनाने का काम लगभग 4.5 करोड़ रुपये का काम वहाँ भी मौजूदा शुरू हुआ है। दूसरा यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी राजीव नगर क्रिश्चियन कॉलोनी से पानी को है ना बाहर निकालने के लिए किसी भी तरीके से ना इंतज़ाम वहाँ आज तक नहीं हुआ था और दिन ब दिन वहाँ पर है ना नए नए साइट्स बन रहे हैं, नए नए मकानात बन रहे हैं, तो इस वजह से जहाँ तक हमारी कोशिश रही MLA ग्रांट्स में वहाँ पे है ना रास्ते UGD का और पानी का काम किया है, अब वहाँ पे बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए मुड़ा और कॉरपोरेशन से एक स्पेशल ग्रांट्स के लिए मैंने है ना तबादला किया है, तो इस वो भी अगर हो गया तो बहुत सारा काम होता है। आज भी मौजूदा चाहे वो गायत्रीपुरम हो या चाहे ना गांधीनगर हो वहाँ से जितना बारिश का पानी और UGD का पानी आ रहा है ये सारी चीज़ें जो है हमारे देवनूर टैंक बेड में आ रही है, तो इस वजह से लगभग 12.5 करोड़ रुपए का UGD का काम नए तौर से शुरू हुआ है, तालाब में UGD का पानी ना आए जिसे है ना बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और दूसरा नए तौर से देवनूर टैंक में है ना पानी खड़ा कर उसे तालाब की शक्ल देने के लिए भी पूरी कोशिश चल रही है, वो इंशाल्लाह काम। सर क्लासिक स्कूल जो आपका MG रोड है वहाँ की आवाम से आपकी एक इल्तिजा है कि वहाँ जब बरसात आती है तो बहुत से मुश्किल आते हैं क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू बेल्ट है इसलिए कोई वहाँ पे देख नहीं रहा है, अगर वहाँ पे रोड का कुछ कर दें आप तो वहाँ पे भी है ना बहुत सारा काम इससे पहले भी MLA ग्रांट पर हुआ है और क्लासिक स्कूल के हमारे अमर साहब जब भी होता वहाँ पर काम ले रहे हैं, अभी हमारे सामने जो है CDP में भी इस चीज़ को हमने निशानदेही की थी
देवनो टैंकबंद रोड को एमजी रोड है ना लिंक करने का काम दिया है, अभी शुरू हुआ है जी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो बारिश की जो मोरी है जी सर, वो मोरी बहुत नीचे होने की वजह से है ना पानी पलट कर है ना लोगों घरों को जा रहा है, उसे है ना और ज़रा सुधार लाने के लिए भी एस्टिमेट्स बनाए हैं। अच्छा सर, दशहरा का इनाग्रेशन हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थी, आप वहाँ पे गए हुए थे, दशहरा का एक मैसेज दें सर, आज ही इनाग्रेशन हुआ है। दशहरा देखिए इसके मायने ये है कि सिर्फ नवरात्रि के ना नौ दिन एक मजहबी एतबार से एक प्रोग्राम नहीं है, मैसूर दशहरा शहर के आलम से महाराजा के ज़माने से भी तिजारत करने वाली जो आवाम है उनको है ना बेहतर तरीके से है ना एक माहौल बना कर देना, ये हमारा मकसद था। तो इसी वजह से उस दिन से लेकर आज तक दशहरा चलता आ रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी चलेगा। तिजारत करने वाले जो तबका है उनको बाहर से आने वाले टूरिस्ट से उनको है ना उनके सारे साल का है ना जो उनके आमदनी का जरिया है इसे और बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता दो साल कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ है और इस मर्तबा हुकूमत ये कहा है कि ना इसे है ना ग्रैंड तरीके से दशहरा करेगा, लेकिन पुलिस हर जगह पाबंदी लगाने की वजह से तिजारत करने वालों को बहुत तकलीफ है। तो मैं अपील करता हूँ कि तिजारत करने वाले लोगों को भी जगह बना कर दें, उनका भी है ना जो रोज़गार है वो अगर चले तो बेहतर तरीके से उनकी माशी हालत भी होना सही होगी, क्योंकि गुज़िश्ता दो साल कोरोना होने की वजह से ना लोग आए ना हम माहौल बनाए। सर जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स में पहले हज़रत टिब्बू शहीद रहमतुल्लाह का टैबलेट हुआ करता था, उन चीज़ों के ऊपर बहन सर एक सवाल है, आखिरी सवाल आवाम की तरफ से शिकायत है, देखिए शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम बार बार हम लोगों को हुकूमत के सामने इल्तिजा कर कर लेने का नहीं है, अगर अल्लाह हिदायत दिया तो वो खुद करेंगे। सर एक आखिरी शिकायत है आवाम की, कुछ मैं हमें जहाँ पर मैसेजों में पढ़ने को मिलता है जिस तरह अभी आकर आप रास्ते की मरम्मत को लेकर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाबात को लेकर जो है आप ये सियासी गर्मा गर्मी कर रहे हैं, इसको लेकर आवाम को क्या कहना चाहते हैं? तरक्की का काम ये है ना हर हमेशा चलता आ रहा है, इसका दो साल कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हुआ था हुकूमत में और इसके साथ साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद कई साल मुकम्मल हुए हैं, हयाती और मौत के दरमियान से लोगों की दुआओं से फिर मैं जी कर रहना बाहर आया हूँ। खिदमत करने के लिए मैं ये हर हमेशा कहा हूँ कि मेरे आखिरी सांस तक मैं खिदमत करता रहूँगा, आज मौका है मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन जहाँ काम चल रहा है हर जगह मैं जाकर ऐसे है ना तस्वीर लेने के लिए मैं कभी सामने नहीं आता। हाँ जो कुछ भी काम हमारे से हो रहा है आवाम के लिए हो रहा है, आवाम जहाँ काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है, बात करने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए बात करने का, बात करते हैं जी सर बहुत रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज 25 लाख का जो नारोड का काम जनाब तनवीर से साहब ने शुरू किया है वो एक लगभग 1.5-2 सालों में शुरुआत करी थी, कोरोना की वजह से जैसे उन्होंने फरमाया उसमें थोड़ा देर लेट हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। ये जो है वार्ड नंबर 14 चारवा क्लास मनोज शुभ नगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम आप इसके बाद शुरू हो रहे हैं, बहुत से काम चल रहे हैं, यहाँ के कारपोरेटर के ना करने की वजह से हमें सामने नहीं कार क्योंकि आवाम भी बहुत झपे है, 4 साल तो गुजर गए आप करते हैं सुबह करते हैं आप करते हो तो हमें भी उनको डिस्टर्ब करने नहीं गए क्योंकि तो उन्होंने चुने हुए नुमाइंदे हमें डिस्टर्ब नहीं करना करने की वजह से हमें छुट्टियाँ थे। अब इसके बाद इंशाल्लाह अब उन्होंने नहीं कर रही अवामा यहाँ के खासकर चारवा के रास्ते तब तक अब 150 से 200 के सेना के साथ ये काम का आगाज़ किया गया है, इंशाल्लाह सामने भी बहुत से कम्प्लेट आ रही है वार्ड नंबर 14 से, इंशाल्लाह बच्चे रखो जनाब तमीर शेख साहब के साथ राय मुशरे के साथ इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं सामने आऊँगा। आपका इल्ज़ाम ये है कि जो मौजूदा कारपोरेटर हैं उनकी तरफ से जो है किसी किस्म का कोई जो है यहाँ पर डाउन नहीं हुआ उसके बावजूद अपे सामने आकर ये काम कर रहे हैं, तो आज जो इतना बड़ा काम यहाँ पे करे उन्होंने खुद भी जो है गैर हाजिर हैं उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो ये काम जो है MLA ग्रांट से जी MLA ग्रांट से उनके दिल में अगर चाहे सबके साथ जुड़को रहना करो तो ये चीज़ में जुड़को रहते थे शायद उनके दिल में क्या है कि मालूम उनको मालूम कराया गया था क्या पूरा मालूम करी पहले भी बीच में एक सदस्य मार्ग जागूँ यहाँ की खिदमत भी करी
लेकिन आज क्या वक्त आग बनी मालूम नहीं, उनको तो इतला तो दे दो ही आग बनी। ओके, आने वाले दिनों में इस वार्ड के आवाम से आप क्या बोलना चाहती हैं कि किस तरह के नुमाइंदे को चुने? ये आपको तो पता है, पिछले मरता भी हमने कांग्रेस से इस वार्ड नंबर 14 का पड़ा था, बहुत कम वोटों से जागू हूँ, कम वोटों से हाथ में, क्योंकि मैं समझता हूँ अल्लाह को नापसंद था रहेगा मैं आवाम के ऊपर क्या बदल रहा नहीं, सब कुछ सब में साथ देते हैं। आने वाला वक्त में इंशाल्लाह आप बेहतर जानते हैं क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा माहौल चल रही है। अब अगर हम मेरे में कुछ गलती रखे तो मुझे दूर करो, कौन सही है उसे चुनो, लेकिन मेरा एक काम, मेरा एक मकसद क्या बोला तो मेरी आवाम, मेरा मुल्ला अच्छा रहना, ठीक है? तो बचपन से हमें भले ही सही रहा, अच्छा रहना मेरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह सामने को ये काम हमें कर लग जाए।